हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेबो क्रिएशन। तो आप सब जानते ही होंगे, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक वैलेंटाइन डे वीक स्टार्ट होने वाला है और 7 फेब को रोज़ डे है। तो आज मैं बेसिकली रोज़ डे के ऊपर फोटो एडिट करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड मैंने पिक्सार्ट में ओपन करा है। उसके बाद हम हमारी मॉडल की पिक लाएंगे। ये लाने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से ही इरेज करके रखा। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको डन करेंगे। डन करने के बाद 2-4 PNG यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। जैसे कि एक ये फ्लोवर का PNG, ये जो ब्लर है हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये करने के बाद हम एक और PNG ऐड करेंगे। तो ऐड में जाएंगे, ये वाला वो इसको मतलब ऊपर की साइड इसको एडजस्ट करेंगे। ये कर लिया। अब यहाँ से इसको डन करेंगे। डन करने के बाद हैप्पी रोज डे का एक टेक्स्ट PNG हम उसकी मतलब एक यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। ये कर लिया, इसको हम पहले एडजस्ट कर लेंगे अच्छा सा। ये हो गया। अब यहाँ से इसको डन करेंगे। डन करने के बाद हम फोटो का रिसाइज बढ़ाएंगे जिससे हमारी पिक अच्छी क्वालिटी में सेव हो। तो उसके लिए हम इसकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब यहाँ से इसको रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के बाद हम पिक को इजीली यहाँ से सेव करेंगे और इस पिक को लाइटरूम में ले जाएंगे। तो हमने हमारी फ़ोटो को लाइटरूम में ओपन कर लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इसकी ब्राइटनेस हम हल्की सी इंक्रीज करेंगे, जैसा कि हम 9 रखेंगे। इसका कॉन्ट्रास्ट भी हम इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट हम -20 रखेंगे, शेडो भी -20, वाइट्स हम बढ़ाएंगे, ब्लैक्स भी हम थोड़ा कम करेंगे। उसके बाद हम कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद हम सेचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर में जाएंगे और थोड़ा सा मतलब इसकी सेचुरेशन माइनस करेंगे, लुमिनेंस हल्का सा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम ब्लू कलर में जाएंगे और सेचुरेशन इंक्रीज करेंगे और ह्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ से इसको डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका टेक्सचर हम हल्का सा इंक्रीज करेंगे, क्लियरिटी भी इंक्रीज करेंगे, विगनेट हम घटाएंगे। ये करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो की शार्पिंग हम 80 रखेंगे, नॉइज़ भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कलर भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ये करने के बाद हमारी पिक रेडी हो चुकी है। कुछ पिक शार्ट में कुछ इस तरह से थी और लाइट रूम में आने के बाद कुछ इस प्रकार हुई है। तो अब हम यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से सेव कर लेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।